नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं सेवन न्यूज और हमें ग्राम कियारा में, और हमारे साथ है प्रधानपति बबलू जी। आइए जानते हैं कि इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, खुद इनकी ही जवानी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं हमारे यहाँ बहुत सारी हैं जी। तो हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है पानी की, पीने के पानी जी, दूषित पानी है हमारे यहाँ जी। और दूसरी समस्या है हमारे यहाँ नाली खड़ंज हुई जी, काफी दिक्कतें हैं जिसके लिए हम प्रयास करें तो खराब होगी जी। और समस्या फिलहाल तो यही है, पेंशन की है दिक्कत जी, जो महिलाएं आती हैं वृद्ध है, उनके लिए हमने सबसे कहा है और फॉर्म भरे हैं उनके जी, उनके लिए हम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मतलब मुद्दा उठाया पीने के पानी को लेकर। आज के टाइम में लगभग हर गांव पीने का पानी प्रदूषित हो गया है और अधिकांश जो बीमारियां हो रही हैं वो पीने के पानी की वजह से ही हो रही हैं। तो ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा पीने के पानी को लेकर, कैसे आप उस समस्या का निवारण करेंगे? उसके लिए हमने डीएम साहब से बोला था, हमारे यहाँ पीने पानी का है, उसका हमने प्रस्ताव भेज दिया था। हमारे पानी की टंकी का काम चल रहा है जी, बोरिंग उसका हो चुका है, जो कुछ जगह है उसमें थोड़े लोग हमारे जो विपक्ष लोग हैं वो उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं जी। बाकी बोरिंग तो हो चुका है उसमें, और उसमें 10 तारीख लगी हुई है हमारे यहाँ जी, 10/6 उसमें डेट लगी हुई है, उसमें हमें जाना है और इंशाल्लाह हम मुकदमा जीत जाएंगे। पानी टंकी हम बनेंगे जी। देखा आपने प्रधान जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जवाब दिए, बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि गाँव में क्या क्या समस्या है और उन समस्याओं को किस किस तरीके से उन्हें निपटाना है, किस किस तरीके से उसे हल करना है, चाहे वो समस्या पीने के पानी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, राशन पानी को लेकर हो, या गली खड़ंजों को लेकर हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हर समस्या का उनको एहसास है और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। उनका ये कहना है कि चाहे उनकी जेब से पैसा लग जाए लेकिन गाँव में हर तरह का विकास होगा ताकि गरीब लोगों को और गाँव के सभी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। मैं पब्लू प्रधान ग्राम क्याला से सभी देशवासियों को और अपने सभी ग्रामवासियों को रमजान मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं।